नमस्कार, कैसे हैं आप सब। पेरेंटिंग पर फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस की इस सीरीज में आज का प्रश्न है कि बच्चों को ड्राई फ्रूट्स कैसे खिलाए जाए। ड्राई फ्रूट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ड्राई फ्रूट्स हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं, हमारे वेट को कंट्रोल करते हैं, चाहे वो इंक्रीज करना हो चाहे डिक्रीज करना हो। बच्चों के हेयर को इम्प्रूव करते हैं, उनकी स्किन को इम्प्रूव करते हैं, उनकी ब्रेन फंक्शनिंग में डेवलपमेंट के लिए हेल्प करते हैं। अगर मैं इसकी फंक्शंस गिनाने बैठूंगी, इसकी इम्पोर्टेंस गिनाने बैठूंगी तो पूरा वीडियो उसी में निकल जाएगा। तो बात करते हैं कि कैसे खिलाएं। अगर आपका बच्चा जब 8-9 महीने का हो जाए तब से आप उसको ड्राई फ्रूट देना स्टार्ट करिए। उतना छोटा बच्चा ड्राई फ्रूट च्यू तो नहीं कर सकता, तो आप क्या करिए, थोड़े से आलमंड्स को ड्राई रोस्ट करिए, उसका पाउडर बनाइए मिक्सी में और उसको एक एयर टाइट कंटेनर में रखिए। उसके बाद जब आप बच्चे का खाना बनाते हैं तो उसके अंदर एक 1/4 स्पून सा पाउडर मिला के उसको स्टर करके उसको खिला दीजिए। उसमें कई पेरेंट्स बोलेंगे वो बना हुआ फ्रिज में ही रह जाता है, एयर टाइट कंटेनर खिलाने में आता ही नहीं है। तो आप क्या करिए, जो आपका स्पाइस बॉक्स होता है, जो मसालेदार होता है, उसमें आप थोड़ा सा पाउडर निकाल के छोटी सी डब्बी में उसी के अंदर परमानेंट रखिए। तो जब भी आप खाना बनाएंगे आपका स्पाइस बॉक्स खुलेगा ही, तो आप उसमें पाउडर डालना नहीं भूलेंगे, तो आपके बच्चे को वो कंज्यूम हो जाएगा। चाहे बच्चे के लिए ओट्स बना रहे हो, चाहे छोटा सा दाल का चीला बना रहे हो, आप हर चीज में वो पाउडर मिक्स कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। जब आपका बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाए, उसको टीथिंग आने लग जाए, तो आप उसको ऐसे एक ड्राई फ्रूट दे दिया, एक बादाम काजू कुछ भी, तो वो भले ही पूरा नहीं खाएगा, वो निबलिंग करेगा, लेकिन उसको धीरे धीरे उसका टेस्ट डेवलप हो जाएगा। जब भी आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो आप सब साथ में बैठ के एकाधिका ड्राई फ्रूट्स खाइए, वो आपको खाता हुआ देखेगा तो उसको धीरे धीरे खाने लगेगा। जब आपका बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए, 2-2.5 साल का, उसके बाद आप उसको सीड्स भी इंक्लूड करिए, जैसे सनफ्लावर सीड्स हो गए, फ्लेक्स सीड्स हो गए। इन सबके अंदर जो ऑयल्स होते हैं वो बेबी की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमें उसका अवॉइड नहीं करना चाहिए। अब बच्चों सीड्स को ऐसे तो नहीं खा सकते, उसका टेस्ट थोड़ा सा पिक्यूलियर होता है, तब क्या करिए, जब आप आलमंड पाउडर बनाते हैं उसी के अंदर सीड्स को भी ड्राई रोस्ट करके ग्राइंड कर लीजिए और बच्चों के खाने में मिक्स करके उनको दे दीजिए। बच्चों की क्यों, आप अपने भी खाने में इसको इंक्लूड कर सकते हैं, ये आपके लिए भी उतना ही बेनिफिट है जितना बच्चों के लिए। और बच्चा अगर बड़ा हो जाए, लाइक 5th-6th क्लास में है या कॉलेज गोइंग है, तो आप अपने घर पे ग्रेनोला बार्स को बेक कर सकते हैं और उसको एज अ टिफिन स्नैक्स में रख के दे सकते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स हर एज में दीजिए, किससे कैसे दीजिए, किस एज पे दीजिए, वो मैंने आपको बताया। मैं आशा करती हूँ इस फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन की मैं अच्छे से जवाब दे सकी हूँ और ये आपको जरूर हेल्प करेगा। अगर आपको लगता है वीडियो किसी और को भी हेल्प हो सकता है तो उसको जरूर शेयर करिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन बाय बाय।